हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी मिंट कीमा करी की रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ मैं मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकती। हर मसालों का एक अपना अलग फ्लेवर है और सबसे अलग फ्लेवर तो मिंट का है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो कहेंगे वाकई बहुत अलग रेसिपी है और टेस्ट में कोई कमी नहीं है, और इसे आप किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 800 ग्राम मटन का कीमा ले रही हूँ और मैं इसे अच्छे से धोकर छान कर रख ली हूँ। एक कप बारीक कटी हुई पुदीना धनिया की पत्ती है और 3 से 4 तेजपत्ता, 4 हरी मिर्च तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और 2 इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है उसे मैं तोड़ ली हूँ, और 1 बड़े साइज का टमाटर है इसे मैं काट ली हूँ, और यहाँ 2 प्याज लिया है इसे इस तरह से काट के रख लेना है, और 1.5 बड़ी चम्मच लहसुन और 1.5 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट है। और यहाँ चाहिए हमें कुछ पाउडर मसाले, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला है, और यहाँ साथ में मैं यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच दही ले रही हूँ। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसके अंदर 5 से 6 बड़ी चम्मच मैं ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल को मैं अच्छे से मैं गर्म कर लूँगी। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया, इसके अंदर सारे साबुत मसाले को डाल दूंगी और 1 मिनट के बाद प्याज को भी ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर प्याज के कलर को चेंज कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ प्याज काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे और कीमा को मिलाकर अच्छे से 5 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट हो गया है कीमा को हाई फ्लेम पर भूनते हुए। अब इसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करेंगे और चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। तो यह 5 मिनट हो गया इसे अच्छे से भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर सारे पाउडर मसाले को ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे भून लूंगी। चार मिनट हो गया है कीमा को अच्छे से मसालों के साथ भूनते हुए। इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी और साथ में ही मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी। दही ऐड करने के बाद पहले इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। दही मिक्स करने के बाद 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और लो फ्लेम पर 5 मिनट इसे ढक दूंगी। पाँच मिनट हो गया इसे लो फ्लेम पर पकते हुए। एक दफ़ा ढक्कन खोलकर कीमा को अच्छे से चला लेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल कीमे के ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसे बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा है, लेकिन आप जब भी बनाएं बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं, तभी आपको मसालों का फ्लेवर पता चलेगा और कीमा का टेस्ट पता चलेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई पुदीने और धनिया की पत्ती टमाटर को ऐड करूँगी और 5 मिनट उसे भी लो फ्लेम पर मिलाते हुए ढककर पकाऊंगी। पाँच मिनट हो गया इसे लो फ्लेम पर पकते हुए, ढक्कन खोल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा किचन खुशबू से महक उठा है। तो आप इसे मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करें। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करूँगी और इसे मैं कुकर में ऐड कर दूँगी, और कुकर में ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगा लूँगी।
डेढ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगा लूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखलाती हूँ। हाई फ्लेम पर कुकर को मैं रख दी हूँ। स्टीम निकल गया है, कुकर को खोल लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैं डिसआउट कर लूँगी। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से इसे बकरीद में या किसी भी मौके पे ज़रूर ट्राई करें। फाइनली यहाँ मिंट फ्लेवर का कीमा बनकर तैयार है। इसे मैं बारीक कटी हुई धनिया और पुदीने की पत्ती से गार्निशिंग करूँगी। तो इसे आप किसी के साथ सर्व कीजिए, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको पास से दिखला रही हूँ, जितना ये देखने में टेस्टी यमी है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो इसे आप किसी चीज़ के साथ सर्व करें, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।